हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से इस नए वीडियो में। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाला हूं कि आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं, उसके आप इंस्टाग्राम यूज एप्लीकेशन को चलाते हैं तो उसके आपको इंस्टाग्राम एप्लीकेशन में जो आप स्टोरी लगाते हैं उसको कैसे हाइड करना है। आप जिसको चाहो आप उसी को स्टोरी अपना दिखा सकते हैं, जिसको आप नहीं चाहते उसको नहीं दिखा सकते हैं। तो आपको ऐसे कैसे करना है आज की वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाला हूँ। तो सो फ्रेंड, मैं तसाम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तसाम टेक्निकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड, अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरे वीडियो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी मैं नए नए वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और उसका फायदा सबसे पहले आप ले सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड, क्या करना है, सबसे पहले अपने मोबाइल का इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को अपना ओपन कर लेना है। जैसे इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को अपना ओपन करेंगे तो आपको यहां पर कुछ इस तरह का पेज आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को अपना ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का आपको पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि सिंपल से अपने प्रोफाइल इंस्टाग्राम वाले अपने प्रोफाइल पर आपको क्लिक कर देना। देखिए यहाँ नीचे में दिया हुआ है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप अपने प्रोफाइल पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का पेज आपको ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर में थ्री लाइन का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, सिंपल थ्री लाइन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप थ्री लाइन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इतने बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो ऊपर में सेटिंग ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपल सा सेटिंग वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सेटिंग वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए प्राइवेसी का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, नोटिफिकेशन के नीचे प्राइवेसी का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो सिंपल सा प्राइवेसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्राइवेसी ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए स्टोरी वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, स्टोरी लिखा हुआ है, सिंपल सा स्टोरी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप स्टोरी पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए स्टोरी में बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। देखिए बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो आपको देखिए यहाँ ऊपर में देखिए लिखा हुआ हाइड स्टोरी फ्रॉम, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप हाइड स्टोरी पर आप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, हाइड स्टोरी फ्रॉम पर आप क्लिक किए तो आपको यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी आप फ्रेंड को यहाँ से आप हाइड करना चाहते हैं, जिसको आप इंस्टाग्राम स्टोरी अपना दिखाना नहीं चाहते तो उस आपको टिक लगा देना है। जैसे बंदा मेरा इंस्टाग्राम स्टोरी इसको नहीं दिखाना चाहते, इसको भी नहीं दिखाना चाहते हैं, इसको भी नहीं दिखाना चाहते हैं, तो सबको हम हाइड कर दिए, छुपा दिए यहाँ से। ये बंदा हमको कभी भी हम अपना इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाएंगे तो ये तीनों मेरे फ्रेंड कभी स्टोरी मेरा नहीं देख पाएगा। अगर जिसको नहीं जिसको दिखाना है तो उस पर नहीं लगाना है, जिसको नहीं दिखाना है आसानी से यहाँ से टिक करके उसको नहीं दिखाना है, जिसको दिखाना है उस पर टिक नहीं मारना है। तो ऐसे आप आसानी से इंस्टाग्राम स्टोरी को आप जिसको चाहें आप उसी को स्टोरी दिखा सकते हैं। आप जिसको नहीं चाहेंगे यहाँ से टिक लगा कर यहाँ से आप उसको हाइड कर देंगे, छुपा देंगे। आप आपका फ्रेंड जिस पर आप टिक लगा देंगे वो फ्रेंड आपका कभी आपका स्टोरी नहीं देखेगा, आपका हाइड कभी भी आप इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाएंगे तो वो आपका स्टोरी नहीं देख पाएगा। तो फ्रेंड ऐसे ही आप आसानी से अपना इंस्टाग्राम स्टोरी इंस्टाग्राम पर जो भी स्टोरी आप लगाएंगे तो उसको हाइड ऐसे ही कर सकते हैं। तो सो फ्रेंड आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना ताकि जब भी मैं नए नए वीडियो अपलोड करूँ तो उसको फिर आप तक पहुँचे और उसका फायदा सबसे पहले आप ले सके। तो फ्रेंड कहीं भी कोई भी आपको दिक्कत वीडियो देखने में समझने में हुई होगी तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।